बाइक वाले ने रोका, देन उसके साथ तुरंत पुलिस वाले ने रोका और उन्होंने मना किया कि आप इस रोड से मत जाइए। बट जब सडनली पीछे से मेरे एक आवाज आती है जिसमें एक लेडीज ने मुझे बुलाया, नेक्स्ट 10-15 मिनट में यहाँ से निकल जाइए क्योंकि ये बिल्कुल ही सेफ जगह नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल है वो ड्रग्स लिए हुए, वो आपसे स्नैचिंग कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, सामान छीन सकते हैं। और सभी मेघालय जा रहे हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट। फाइनली गाइस हमें भी इस रास्ते उतरना पड़ा क्योंकि गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। एक और वीडियो में स्वागत है। तो फाइनली आप गेस कर सकते हो मैं किसी हिल स्टेशन पे हूं, और ज़्यादा वेट ना करवाते हुए बता देता हूँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आसाम में अभी अपनी न्यू नॉर्थ ईस्ट ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए। पहले मैं आसाम कवर कर चुका हूँ बट इतना नहीं किया था, ऑलमोस्ट अब आसाम कवर हो गया था। आज मेरा प्लान है मेघालय के लिए, जो कि मैं अभी इस ट्रिप में हिचहाइकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ रास्ता है जिस रास्ते और हाईवे से मैं आया था, और ऐसा कुछ इधर नज़ारा है, और इधर बैग वगैरह रखा है। बाकी इस हाईवे का अगर नाम शायद जहाँ तक मुझे कंफर्म है वो आसाम मेघालय हाईवे है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेघालय के लिए। अभी ये मेरा फर्स्ट हिचहाइकिंग एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, और ऑब्वियसली इंडिया में ही है जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और लेट्स सी अभी देखते हैं आगे। काफ़ी इन्जॉयमेंट रहने वाला है इस ट्रिप में, इन्जॉय करने वाला हूँ और कैंपिंग करने वाले हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा नई नई चीज़ों का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो दोस्तों, चलते हैं। और एक बार मैं अपने फ्रेंड से मिला देता हूँ। मीट, ये गौतम है। हेलो गौतम। हेलो ब्रदर भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए अपने बारे में। बहुत अच्छे हैं यार भाइयों, आपका नमस्कार, और बताइए भाई। सो फाइनली हम ट्रिप कंटिन्यू करने वाला है, ये भी दिल्ली से ही है। सो लेट्स गो दोस्तों, अभी ट्रिप स्टार्ट करते हैं, हिचहाइकिंग स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं पहली लिफ्ट हमें कब मिलती है, कितना टाइम लगे। थोड़ा सा और आगे आ गए हैं लिफ्ट के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा टफ था लिफ्ट का मिलना, लेकिन आई थिंक ये स्पेस इनफ है क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी आ रही है मुड़ के, तो ये काफ़ी जगह हो जाएगी, बच जाएगी गाड़ियों के रुकने के लिए। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहेगा। वेट काफ़ी हो चुका, आई थिंक 35-40 केजीज के आसपास वेट हो चुका है मेरे पास, बट लेट्स सी देखते हैं। अभी तो पूरा ट्रिप बाकी है, अभी तो शुरुआत है, ये पहली ही है। आधे रास्ते छोड़ दो आप, कहीं आधे रास्ते छोड़ दो कहीं। अच्छा अच्छा इधर ही जाइए, चलो थैंक यू भैया। सो फाइनली एक चांस तो मिला, बट अभी 30 मिनट्स के करीब हो गया, अभी तक तो कोई लिफ्ट मिली नहीं है। बाकी लेट्स सी देखते हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं लिफ्ट का, अगर कहीं पे मिलती है तो आपको पता तो लगेगा। लग रहा काफ़ी चैलेंजेस रहने वाले हैं, और अभी तक मिली नहीं लिफ्ट, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखते हैं। चलो अभी कोई लिफ्ट मिलती है तो आपको बताते हैं आगे चल के। गाइस ज़्यादा बड़ी लिफ्ट नहीं थी, 3-4-5 किलोमीटर की होगी ज़्यादा से ज़्यादा शायद, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली लिफ्ट थी, पहली चेकिंग थी, अभी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, वो खड़ा हुआ है टेम्पो, और अभी हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से और रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो अभी चल रहे हैं आगे, रास्ता चेंज करेंगे, देखते हैं सेकेंड लिफ्ट कब तक मिलती है। इस लिफ्ट को मिलने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग गया था, अभी आगे चल रहे हैं और देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं मेघालय शिलोंग। पुलिस तो डूब कर देगा, चलो थैंक यू। हाँ ठीक है,
सो फाइनली लिफ्ट मिली है, देखते हैं, एक बार बात करते हैं भैया से, पैसे तो मिलेगा शायद। भैया पैसे तो नहीं लेगा ना, पैसे नहीं है हमारे पास। थैंक यू भाई, तो लिफ्ट मिली है जो मेरे भैया थी। भैया का नाम क्या हो भैया? जी मेरा इसी में रख दे बैग। फुलसन भैया, चलो मिलते हैं, भैया के पास बैठ के अभी बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। एक समय हाथ में ले लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा फंक्शन है। फंक्शन, तो थैंक यू सो मच भाई लिफ्ट देने के लिए। सही है, हमारा सेकंड लिफ्ट है मेघालय में, मतलब मेघालय एंटर हो गया ना हमारा। हाँ। ये पुलिस बाजार तक जाएंगे भैया, तो काफी लंबा लिफ्ट है, चलते हैं अभी आगे। आगे मिलते हैं आपसे। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। ये आपका फर्स्ट टाइम जा रहा है? हाँ। तो आप कहाँ से? आसाम से ही है? जी जी आसाम से। आसाम में कौन सी जगह रहते हैं? ग्वालपारा। अच्छा, बाकी मैं लास्ट टाइम आसाम आया था, और आसाम में मैंने दिमासाओ, हाफलोंग और माजुली सब घूमा हुआ मैं। हाँ, वैसे अभी मेघालय जा रहे हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही घूमेंगे। तो और कैसा है अभी, कितना टाइम लग जाएगा वहाँ तक जाने में भैया? वैसे तो टाइम ये दिखा रहे हैं 2 घंटा। तो चलो गाइस आगे मिलते हैं भाई से, अभी 2 घंटे तक हम साथ ही रहने वाले हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच भाई। तो फाइनली गाइज हमें बीच रास्ते उतरना पड़ा, क्योंकि गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी। हमने खाली पेट हिचाइकिंग कर रहे थे और गर्मी में काफ़ी टाइम हो गया था हमें चलते हुए भी और हिचाइक करते हुए, तो उसकी वजह से फिर हमें बीच में ही रुकना पड़ा और उस गाड़ी वाले को वापस भेज दिया हमने। और अब हम एक ढाबे में आ गए, ढाबे पर आके हमने अभी खाना खा रहे हैं दोनों। सबसे पहले पेट भरेंगे, थोड़ा देर आराम करेंगे, और आराम करने के बाद यहाँ से फिर ट्रिप को कंटिन्यूसली करेंगे। अभी हम ऑलमोस्ट 50% हमने अपना रास्ता कवर कर लिया, अभी 1 से 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है। बाकी वो लिफ्ट डायरेक्ट था, लेकिन अभी देखते हैं आगे चल के दोबारा हम ट्राई करेंगे, बट पहले खाना कोना खा लेते हैं। और ये कुछ है, ये हमारे खाने में आलू और क्या बोलते हैं इसको, करेले की सब्जी है, चावल है, दाल है, और ये कोई लोकल चटनी है। तो फिलहाल यही है अभी के लिए, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं बाद में आपसे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो जैसे आपने देखा कि लास्ट वीडियो में अभी हम खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद एक्चुअली हुआ क्या, मैंने बताया आपको गौतम की तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद हमें वो लिफ्ट बीच में ही छोड़नी पड़ी जो डायरेक्टली शिलोंग के लिए थी। और शिलोंग भी पुलिस बाज़ार जो कि मेन प्लेस है जहाँ पे हम घूमना चाह रहे थे, उस जगह के लिए थी। बट तबीयत ख़राब थी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते यार, वो कभी भी किसी की भी हो सकती है। सो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम रुक के पहले खाना खाते, थोड़ा रेस्ट करते, देन उसके बाद आगे का प्लान करते हैं। तो हमने वो लिफ्ट छोड़ दिया था। लिफ्ट छोड़ने के बाद एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ से जैसे हम निकल के आगे की तरफ आए, और आगे आने के बाद हम लिफ्ट का ही ट्राई कर रहे थे, हाईवे पे चलते हुए जा रहे थे जो कि मेघालय और आसाम वाला हाईवे था। लेकिन सडनली क्या होता, वहाँ पे रुक के एक पुलिस वाले ने हमें, पहले तो बाइक वाले ने रोका, देन उसके साथ तुरंत पुलिस वाले ने रोका और उन्होंने मना किया कि आप इस रोड से मत जाइए। देन हम थोड़ा सा बैक आके फिर हम एक जगह रुक के दोबारा ट्राई करने लगे, हमें इग्नोर कर दिया उनको कि छोड़ो, क्या बोल रहे हैं, हम छोड़ देते उसको, और हम दोबारा से उसी रोड पे हिचाइकिंग के लिए ट्राई करने लगे। बट जब सडनली पीछे से मेरे एक आवाज़ आती है जिसमें एक लेडीज ने मुझे बुलाया, और हमें बुला के मेरे को बोलती है कि वो कि भैया आप इस जगह पे बिल्कुल मत रुकिए, इवन आप नेक्स्ट 10 to 15 मिनट में यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि बिल्कुल ही सेफ जगह नहीं है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पीपल है वो ड्रग्स लिए हुए हैं, और वो आपसे स्नैचिंग कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, सामान छीन सकते हैं, और उससे मारपीट कर सकते हैं, स्नैचिंग कर सकते हैं, सामान वगैरह छीन सकते हैं, और आपको लूट लेंगे इधर। तो आप जितना जल्दी हो आप या तो यहाँ से निकलिए, आप जो पीछे वाला रास्ता आप उस रास्ते के पास से जाइए जो कि मेघालय का पुराने वाला रास्ता है,
तो फिर मैंने सोचा कि क्यों हमें रिस्क उठाना चाहिए, तो उसने उस लेडीज ने अपने हस्बैंड को हमारे साथ भेजा और उसने हमारे लिए एक टैक्सी बुक करवाई जो कि 100 रुपीज़ का चार्ज था, और वो टैक्सी ने हमें शिलोंग पे छोड़ा। तो वो थोड़ा एक सेफ वे था, अगर किसी लोकल ने मना कर दिया तो आई थिंक हमें नहीं जाना चाहिए उस जगह पे। और उसी चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो उसको वहीं पे कंप्लीट करते हैं और हम हिचहाइकिंग को रोक के और हम डायरेक्टली वैसे जाते हैं और अपना वैसे जाके हम टैक्सी के थ्रू हम शिलोंग ये पहुंच गए। शिलोंग पहुंचने के बाद काफ़ी नाइट हो गई थी, तो हमें हॉस्टल फाइंड आउट करना था जो कि हम कर भी चुके हैं, तो हॉस्टल उसमें थोड़ा टाइम लगा, इस वजह से मैं नाइट का वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए इस वीडियो को क्लोजिंग अप करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मेरे लेटेस्ट अपडेट और फोटोज़ के लिए कि मैं रिसेंटली कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मेरा इंस्टा आईडी है solojourney07 और फेसबुक आईडी है solojourney। सो गाइज अभी फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल में हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप जो मेरा देखेंगे वो मेरे हॉस्टल का होगा, कितने रुपये का हॉस्टल है, कहाँ पर मैंने लिया है, हॉस्टल का प्राइस क्या है, और ये सेफ है नहीं है, और बाकी सारी थिंग कितना क्लीन है क्या नहीं, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आप अपकमिंग में आ रखी होगी। सो या नेक्स्ट व्लॉग में आ रखी होगी, सॉरी। सो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। काफ़ी चीप प्राइस में मिला है मुझे काफ़ी फाइंड आउट करने के बाद, और आई थिंक चेरापूंजी में इससे सस्ता एक सिंगल हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, और इवन यहाँ पे ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी रूम लो, डोरमेट्री लो या फिर आप पर्सनल रूम लो, सिंगल लो डबल लो, सब में आपको फ्री मिलेगा ब्रेकफास्ट ओनली, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में 230 रुपये का रूम है, और विदाउट स्टूडेंट आईडी आपको 270 का पड़ेगा। मैं